मैं सुनाता हूँ, हज तीन तरह के हैं। एक हज बदल है, हज तमतु है, और तीसरा हज मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए जी बात हो रही है हज के बारे में। जी बिल्कुल, उसको भी मुख्तसर बताते हैं आपको। सवाल है कि हज की तीन किस्में लोग बताते हैं, तो वो तीन किस्में कौन सी हैं? इन्होंने एक हज्जे बदल कहा, हज्जे बदल हज की किस्म नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे तफसीलात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ हज्जे हज की किस्में बताऊंगा। हज की एक किस्म है हज्जे तमत्तो, दूसरी किस्म है हज्जे इफराद, और तीसरी किस्म है हज्जे कैरान। तीनों में बुनियादी तौर से जो फर्क है वो ये है कि जो हज्जे इफराद होता है, इफराद में इंसान सिर्फ हज की नियत करता है, सिर्फ हज की नियत। आप हज की नियत करोगे, अगर आप मक्का पहले पहुंच गए तो वहां जाकर के तवाफे कुदूम करोगे, सिर्फ सिर्फ तवाफे कुदूम आपको करना है। अगर आपने साथ में सही भी कर लिया तो कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में जब तवाफे इफादा करोगे तो सही करना आप पर जरूरी, आपको सही नहीं करना होगा। तो हज इफराद में सिर्फ हज की नियत आदमी करता है, और एहराम बांधने के बाद से लेकर के जब तक उसका हज खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक तहल्लुल अव्वल नहीं हो जाएगा, तब तक वो एहराम नहीं खोल सकता है। ये हज इफराद है। हज तमत्तो ये है कि आप पहले उमरा करेंगे, आप पहले उमरा करेंगे और उमरा मुकम्मल जो है तवाफ और सही करके बाल कटवा करके आपका उमरा मुकम्मल हो जाएगा और आप हलाल हो जाएंगे, एहराम वगैरह उतार देंगे। उसके बाद आप इंतजार करेंगे, जब आठवीं तारीख आएगी ज़िलहिज्जा की, तो आप दोबारा से हज के लिए एहराम बांधेंगे, अब हज की नियत करेंगे और फिर हज कंप्लीट करेंगे। तो पहले उमरा, उसके बाद हलाल होना है, उसके बाद हज की नियत करके हज करना है। तो यह हज तमत्तो हो गया। हज क़िरान यह है, हज क़िरान में हज और उमरा दोनों की नियत एक साथ होती है, लेकिन आमाल सिर्फ हज के किए जाते हैं। हज्जे इफराद और हज्जे करान में सिर्फ ये फर्क है कि हज्जे करान में दो की नियत होती है और हज्जे इफराद में सिर्फ हज की नियत होती है, और करान में हज और उमरा दोनों की नियत होती है। एक फर्क ये है, और दूसरा फर्क इफराद और करान में ये है कि हज्जे करान के अंदर आपको हज ही देना होता है, हज्जे इफराद के अंदर हज ही नहीं देना होता है। तो ये तीन किस्में हैं, और तीनों की अपनी अपनी तफसीलात हैं। वो मुकम्मल किताबुल हज है जो कि बहुत सारी तफसीलात का तालिब है, और लेकिन आपका सवाल चूंकि हज के अकसाम से मुताल्लिक था तो ये तीनों किस्में हैं। जी, जज़ाकअल्लाह खैर शेख।